लासा मासा, ठीक है, लासा मासा हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो ये है क्यों पढ़ते हैं, तो इसका सही रीजन ये है कि लासा और मासा से भाग अच्छे से दिया जा सकता है, आपको भाग देना अच्छे से आ जाए, इसीलिए और केवल इसीलिए लासा और मासा पढ़ते हैं। यानी कि आपको भाग देने की प्रवृत्ति या भाग देना अच्छी तरीके से आ जाए, वही लासा और मासा होता है। जैसे ठीक है, लासा निकालना है, 36 है और 20 है लासा, तो लासा तो सभी लोग निकाल लेते होंगे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इसको पहले भाग दीजिए, ठीक है, जैसे 2 से इसको भाग दीजिए, ठीक है, 2 से जब इसको सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर जो है 11 से, ठीक है, ऐसे जो है भाग दिया जाता है, ठीक है। जो 2 से कटेगी, 2 है, 3 है, 4, 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 से वो संख्या कटेगी जो 2 से कट जाएगी पहले, 5 है, 6, 6 से नहीं लिखा क्योंकि 6 से 2 और 3 वो 6 संख्या जो जैसे 36 है ये 6 से कटती है, तो यह ये 2 और 3 दोनों से कटेगी, इसीलिए ये वो संख्याएं हैं जो सब हर नंबर को काट देती हैं, ठीक है, हर नंबर को काट देती हैं। अब जैसे हमने लिखा 2 है, 2 से इसको भाग दिया, 2 से इसको भाग दिया तो आ गया 18, ठीक है, 18 लिख दिया, फिर 2 से इसको भाग दिया 20 को, ठीक है, आ गया हमारा 10, तो 10 लिख दिया, ठीक है, आगे बढ़े, फिर 2 से भाग दिया, 2 9 18, 2 5 10। अब ये संख्या आ गई, ठीक है, ये संख्या आ गई, ये तो मान लो छोटी है, जान जाएंगे कि 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर जैसे इसको काटते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, 2 2 4 8 हो गया, 1 बच गया। जब भी शेष बच जाता है, पूरा ना कटे, शेष बच जाए, तो शेष जब बच जाता है यानी कि अब इसे 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 से अगर नहीं कटेगा तो अब हम लोग उसे नहीं काटेंगे, ठीक है, यानी कि 2 से अब नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा? तब देखिए वो 3 से कट रहा है क्या, तो देखते हैं, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 5, फिर देखते हैं किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 1 9 3 और 5, फिर 5 से कट रहा है, 1 और 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको गुणा कर लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, सबको गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर जो भी आ जाएगा वही आपका लासा हो जाएगा। अब यहाँ पर कठिनाई यहाँ पर आती है कि जान नहीं पाते हैं कि किससे कटेगा। जैसे कोई बड़ा नंबर लिख लिया जाए, ठीक है, चाहे 387 ये लिखा हुआ, ठीक है, अब जान नहीं मिलता है कि ये किससे कटेगा, ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले 2 से ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, 7 8 11 किससे ट्राई किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब दिक्कत आने लगी तो याद रखिएगा, 2 से कौन कौन से कटती हैं संख्याएं? 2 से वो सारी संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में, ठीक है, जिनके अंत में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, यानी कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी लिखी हुई, जैसे 408 लिखा है, ये लिखा है, तो ये 2 से कट जाएगी क्योंकि ये सम अंक, यानी कि किसी भी संख्या के अगर सम अंक आता है, इसे सम अंक कहते हैं, सम संख्या आती है तो वो आपके कट जाएगी 2 से। तो 2 से कटने का नियम यही है कि ये 2 से कट जाएगी, ठीक है, लासा मासा में यही चीज़ तो है, काटना ही तो जानते हैं, ठीक है, काटना ही तो सीखते हैं, और कुछ थोड़ी ना सीखते हैं। 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम यह है, कोई संख्या जो जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। अब ये क्या वाला लिखी है, जैसे 387 लिखा हमने, ठीक है, अब जैसे हमने इसको जोड़िए इसको, ये 3 और 8 11 हो गया अंकों का योग, मतलब सबको जोड़ देना है, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो, 11 7 18 हो जाए, क्या 18 जो है 3 से कट जाता है, शायद कट जाता है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं आता, फिर जो है 8 और 1 को जोड़ लीजिए, 9 आ गया, तो 9 तो 3 से कट ही जाता है, हाँ जी कट जाता है, तो यानी कि ये संख्या पूरी क्या होगी, ये 3 से कट जाएगी, ठीक है, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से देखिए काट के, 3 91 3 और 8 आ गया, 3 2 6 2 आ गया, 27 3 9 27 कट गई ना पूरी पूरी। तो ऐसे हम बिना भाग दिए जान जाते हैं, ठीक है,
बिना भाग दिए ही जान जाते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ठीक है। इसीलिए जो है ये पढ़ा जाता है। चार से कटने का नियम क्या है कि दो दो से कटेगा चार से भी कटेगा। पांच से कटने का नियम क्या है, पांच से कटने का नियम यह है कि अंत में क्या होता है, अंत में जीरो हो या पांच हो, ठीक है, जीरो हो या पांच हो, ठीक है। इतना हम लोग सीखेंगे लासा मासा में, ठीक है, इतना हम लोग लासा मासा में सीखेंगे। तो लासा क्या होता है, देखिए जैसे दो संख्या लिखी है 36 और 15, ठीक है, या छोटी सी संख्या ले लें 12 15, 12 और 15 का जो है लासा निकालना है, का लासा लासा निकालना है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 2 से गया 6 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 से गया 3 दूनी 6 आ गया, और 3 पचे 15 आ गया, फिर 2 से गया 1 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 से गया और 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तब इसका गुणा कर लेते हैं लासा में, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 हो जाता है, 5 दूना 10, 3 दूनी 6, 6 60 इसका जो है लासा आ गया, ठीक है, गुणा कर लेते 60 इसका लासा हो गया, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आई। अब क्या करते हैं कि लासा तो ये हो गया, ठीक है, और एक कौन सी विधि है, मासा देख लेते हैं। मासा लासा यानी कि 60 हो गया, 12 और 15 का जो है लासा जो आया है वो 60 आया, तो हम क्या समझ रहे हैं, तो ये देखिए कि 12 और 15 का लासा कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि लासा सदैव क्या होगा, संख्या से बड़ा ही आएगा, छोटा कभी नहीं आएगा, लासा सदैव जो है संख्या से बड़ा आता है। और वो जो लासा होगा वो दोनों संख्याओं से कट रहा होगा, 15 चौको 60 और 12 पंजे 60 हो जाता है, ठीक है ना, तो दोनों संख्याओं से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे बिना लासा निकाले आप कैसे जान सकते हैं कि इसका लासा ये है, ठीक है, इसका लासा ये है, आप कैसे जान सकते हैं। देखिए इसका क्या करिए, दुगना कर दीजिए, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का क्या करिएगा, दुगना, 15 दुना 30 कर लीजिए। अब 30 देखिए क्या 12 से कटता है, 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 तीन 36, 30 नहीं कटता है, तब क्या करेंगे, तब इसको जो है दुगना कर लेंगे, ठीक है, तब इसको भी दुगना कर लेंगे या इसको दुगना कर लेंगे, 15 दुनी 30, 15 तीन 45, 3 गुना कर लेंगे, मतलब 45 भी 12 से नहीं कट रहा, यानी कि ये तो बेकार हो गया, इसको दुगना कर लेंगे तो 30 दुनी 60 आ जा रहा है, 60 देख रहे हैं 12 से कट जाए, 12 12 पंजे 60, हाँ कट रहा है, तो यानी कि जो 12 से भी कट जाए और जो 15 से भी कट जाए, दोनों से कट जाए वही अंक हो जाए। अब आप कहेंगे 120 कट जाता है, बिल्कुल, 15 8 120, 12 10 120 बिल्कुल कट जाता है, लेकिन ऐसा नंबर जो पहली बार कटे, ऐसे तो बहुत सारे हैं, 60 भी कट जाएगा, 120 भी कट जाएगा, 240 भी कट जाएगा, 180 भी कट जाएगा, लेकिन नहीं, जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है कटने वाला, उसे ही जो है लासा कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लासा, ठीक है, लासा कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम, लघु का मतलब हो गया छोटा, लघु का मतलब हो गया छोटा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, और वो क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एलसीएम लोवेस्ट, लोवेस्ट, ठीक है, एलसीएम एम एचसीएफ लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ये होता है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, यानी कि ये जो हम गुणा कर रहे हैं यही वाला गुणा, मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा हो गया, यानी कि ये जो गुणा कर रहे हैं यही, यानी कि नाम से ही निकल के आ जाता है, ठीक है, नाम से ही निकल के आ जाता है, लेकिन कोई जानता नहीं है, ठीक है। कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जैसे 60, ठीक है, कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, तो दोनों में कॉमन ही तो मिल रहा है, तो यही 60 आपका हो जाएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, 120 भी कट रहा है, 240 भी कट रहा है, 180 भी कट रहा है, सब नहीं काट के हमको देखना, लोवेस्ट वाला देखना, लोवेस्ट वाला जो सबसे कम होता है, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसे ही हम लोग
एलसीएम कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या है, एलसीएम हो गया। अब जैसे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर है, वाई है, जेड है, ठीक है, ये चीज दे रखी है। और फिर दे रखा है कि ये एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज दे रखी है। तो इसमें हमें निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है, ठीक है, लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकलेगा? तो इसमें देखिए, लासा क्या, जैसे हमने कहा कि ये जो होता है, लासा जो होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है। क्या होता है? लासा जो होता है दोनों संख्याओं से बड़ा होता है, दोनों संख्या से बड़ा। हम क्यों लासा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों संख्याओं से बड़ा होता है लासा, ठीक है जी। तो लासा क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे x कितना है, 2, यहाँ पे x कितना है, 1 है यहाँ पे पावर, तो x बराबर कितना हो जाएगी, 2, क्योंकि दोनों संख्याओं से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए संख्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, तो कौन सी ले लेंगे, बड़ी वाली ले लेंगे, बड़ी वाली क्या हो जाएगी आपकी, लासा हो जाएगा। y देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सी ले लेंगे, दो वाली ले लेंगे। यहाँ पे देखिए जेड 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। तो यही आपका लासा हो जाएगा, यही आपका लासा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जब हम लोग ये आप सीख गए, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके बीच, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके बीच लासा लेना है, लासा, लासा निकालना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। कल जैसे हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा था, एक बार प्लस एक बार माइनस में, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो जी दो बार यही चीज़ लिख सकते हैं, दो बार यही चीज़ लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जो दोनों में कामन हो, ठीक है, जो दोनों में कामन हो वो चीज़, ठीक है। तो इसमें दोनों में कामन क्या है, यही चीज़ है, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये सेम सेम है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। और फिर ये क्या, यही चीज़ लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि ये भी गुणे में हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब इसका इसका गुणा कर देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसका क्या मतलब, इसका मतलब तो यही है, यही, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका लासा हो जाएगा, ये इसका लासा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपका लासा हो गया, ठीक है, थोड़े से समय में, थोड़े से आपके समय में हमने लासा को आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश किया। अब जब हम लोग लासा के क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगले चैप्टर में हम लासा के ही क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, लासा के ही क्वेश्चन अगले चैप्टर में लगाएंगे, ठीक है ना। मासा देखिए, मासा दो ही संख्या ले ली, 12 ले लिया, 15 ले लिया, इनका हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना। मासा निकालने की दो तरीके हैं, एक तो भाग विधि है, ये भाग विधि है, एक गुणन विधि है, गुणन विधि है, एक भाग विधि है, एक गुणन विधि है, ठीक है। भाग विधि में क्या करते हैं कि 12 से, यानी कि छोटी वाली बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। भाग दीजिए, 12 का नंबर 12, 3 आ गया, 12 लिख दीजिए, ये वाली संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है, कट गया। तो यानी कि जो अंतिम बार में काटेगा वही मासा हो जाएगा, यानी कि इसका मासा कितना आ गया, 3 आ गया, इसका मासा कितना आ गया, 3 आ गया, जो अंतिम बार में काटेगा वही आपका मासा हो जाएगा। इधर देखिए गुणनखंड विधि, गुणन विधि में 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है, तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़िए जरा, 2 × 2 × 3, ठीक है, इसे तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, वैसे ऐसे तोड़ दिया छोटा छोटा, मतलब कि 12 को 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, ठीक है, ये भी चीज हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया 2 × 2 × 2, ठीक है, ये चीज हो गई। अब 15 है, ठीक है, 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 15 को हम तोड़ सकते हैं कि 2 × 3 × 5, 3 × 5 में तोड़ सकते हैं। अब देख रहे हैं हम कि दोनों में क्या है, 3 है, ठीक है, दोनों में क्या है, 3 है, तो यही आपका मासा हो जाएगा। जो दोनों में होगा, जो दोनों में होगा वही मासा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मासा जो होता है ये संख्याओं से हमेशा छोटा जाता है, क्या होता है, संख्या से छोटा,
संख्या से छोटा, ठीक है, हमेशा क्या होता है मासा, संख्या से सदैव ही छोटा रहेगा। एलसीएम क्या रहेगा, सदैव बड़ा रहेगा। मासा क्या रहेगा, सदैव छोटा रहेगा, ठीक है। अब ये जो मासा रहेगा, इन दोनों संख्याओं को क्या करेगा, काट देता है। मासा दोनों संख्याओं को काटता है, ठीक है, मासा दोनों संख्या को काटता है, को काटता है, टता है। मासा दोनों संख्याओं को काटता है, ठीक है, यानी कि इसको भी काट देगा और उसको भी काट देगा, ठीक है, 12 को भी काट देगा 3, अब 15 को भी 3 काट देगा। मासा दोनों संख्याओं को काट देता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं HCF। उसे जैसे LCM कहते हैं, इसे HCF कहते हैं। HCF ये क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि जैसे आपके क्या था, 12 था और 15 था, ठीक है, 12 था 15 था, इसका HCF कितना आया था, मासा कितना आया था, 3 आया था, तो 3 क्या करेगा, दोनों को काटेगा, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है कि ये जब गुणा करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी या ये इसको काट देगा। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा करने पे खंड किया गया, जैसे 12 को जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 किया, तो गुणा करने पे खंड खंड किया ना, तो उसे कहते हैं गुणनखंड, या इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। यानी कि ये हमने फैक्टर करने पर हमें मिला, ठीक है, फैक्टर करने पर, तोड़ने पर हमें मिल गया, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, इसमें भी 3 गुणे क्या है, 4 है, और इसमें भी देखिए 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3 है, तो दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन, ठीक है, दोनों में जो कॉमन होता है वो कॉमन हो जाता है। हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट हो, जैसे कि ये जो है एक से भी तो कट जाएगा, एक 12 और एक 15, ठीक है, एक से भी कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाए, तो 3 और 1 दोनों से कट रहा है, तो दोनों से कटने में जो हाईएस्ट होगा वही उसका मासा हो जाएगा। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे, ठीक है। जैसे 24 हो गया, 40 हो गया, इनका मासा आप निकालोगे, ठीक है, इनका आप मासा निकालोगे तो आ जाएगा 8, मासा आ जाएगा 8, ठीक है, निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है, अभी बता रहे हैं कैसे निकाला है, ठीक है। तो मासा आ गया 8, तो इसको हम जो है, अब देखिए मासा आ गया 8, हम आपको हाईएस्ट समझा रहे, ये क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंत में जो है 4 है, 0 है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से 4 से भी कट जा रहा है, हाँ, 4 से 4 6 24, 4 धामा 40, ठीक है, 4 से भी, 8 से भी कट जा रहा है, 8 3 24, 8 5 40, और किसी चीज़ से नहीं कट रहा है, तो यानी कि इन तीनों में ही सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है उसे ही कहते हैं मासा, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसे ही कहते हैं मासा कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट नंबर वाले को ही मासा कहते हैं, हाईएस्ट नंबर वाले को, यानी कि जो हाईएस्ट वाला कटता है उसको ही मासा कहते हैं। अब एक और चीज, एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, दूसरा पद दे रखा एक्स वाई जेड, मासा निकालना है। अब मासा निकालना है तो हमने बताया मासा जो होता है हमेशा संख्याओं से छोटा ही होता है, मासा हमेशा संख्याओं से छोटा रहता है, तो छोटा लिखने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटा क्या है, 1 है, 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या है, 1 है। तो यानी कि मासा बताया जो है संख्याओं से छोटा रहेगा, हमेशा रहेगा छोटा, तो यहाँ पर जो है आपका ये छोटा आ गया, ठीक है। अभी जो उसमें एग्जाम्पल लिया था वो भी लेके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी संख्या थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मासा लेते हैं इसका। मासा जब लेंगे इसको तोड़ के लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि सेम सेम। अब देखिए इसका मासा क्या रहेगा, दोनों को जो कॉमन मिल जाए, दोनों में कॉमन मिले केवल वही मासा, तो मासा इसका निकालेंगे तो केवल एक्स प्लस वाई ही आएगा, केवल एक बार, दो बार नहीं, इनमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है, तो कॉमन लेना है, यही आपका मासा हो गया, ठीक है, तो यही आपका मासा हो जाएगा, केवल एक बार, दो बार नहीं, केवल मासा एक बार, ठीक है, तो ये इनका मासा हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बार जैसे आपको जो है 3 30 है,
प्लस 40 है प्लस 50 है, ये जैसे जोड़ना है, ये तो हमने एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा सा है, आपको समझ में आएगा। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, और साथ में देखिए सम में क्या है, जीरो 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 है। जीरो 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 का मतलब है इसमें जो है 3 गुणे 10 है प्लस 4 गुणे 10 है और गुणे में 5 गुणे 10 है, यानी कि इसका मासा जो क्या हो गया, मासा इसका 10 हो गया, और इसका कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, मासा 10 है। 5 आप देखिए, 5 भी सम में है, 2 भी सम में, लेकिन हमको मासा लेना होता है, और मासा ही कॉमन लेते हैं, ठीक है, मासा ही कॉमन लेते हैं, तो 10 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब तीनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 9, 12, 12 और गुणे में 10, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो मासा लेने की जो जो है क्या कहते हैं जरूरत है, बहुत ज़्यादा है, आपको मासा का ज्ञान होना चाहिए, केवल लेसन पढ़ने के लिए नहीं, मैथ लगाने के लिए भी आपको मासा का नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब एक और बात, जैसे कहा जाए कि 3 है और जो है कहते हैं 7 है, इसका मासा कितना होगा, मासा तो ये तो दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब एक ही नंबर से नहीं कटेंगी, एक ही नंबर से नहीं कटेंगी, तो इनकी इनमें क्या है, गुणे में 1 है, तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 1, इनका मासा कितना हो जाएगा, 1, देखिए कैसे आ गया, 3 है 7 है, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 1 हासिल आ गया। अब इसको ले आएंगे 3 1 3 3, कट गया पूरा ना, घटाएंगे यानी कि 1 मासा इसका हो गया। दूसरी विधि से ऐसे देखें, गुणनखंड 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 गुणे 1 लिखा जा सकता है, 7 को कैसे लिखा जा सकता है, 7 गुणे 1, तो जो दोनों में होगा वही आपका मासा हो जाता है, जो दोनों में होगा वही आपका मासा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया मासा हो गया, ठीक है। और जिन संख्याओं का मासा 1 होता है, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है उन्हें कहा जाता है स अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहा जाता है, स अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कहा जाता है, यानी कि साभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो, कैसे, साथ साथ, साथ साथ अभाज्य हो, साथ साथ अभाज्य हो, ठीक है, जैसे आपका 15 हो गया, ठीक है, और जो है 4 हो गया, इन्हें कहा जाएगा से अभाज्य, सह अभाज्य, यानी कि इनका जो है मासा जो होता है वो 1 हो जाएगा, हालांकि 4 अपने आप में भाज्य है, 15 अपने आप में भाज्य है, लेकिन दोनों आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो इनका मासा कितना, 1, तो ये स अभाज्य हो गया, स अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो और भी इसके काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हैं, ठीक है, मासा के, तो कल हम लोग क्या करेंगे, या अगले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मासा के ही क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जो बीएड में, बीटीसी में या अन्य एग्जाम में आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लोअर वाले, तो वो हम लोग कवर करेंगे मासा के अंतर्गत, ठीक है ना, बस इतना रखिए और हमें इजाज़त।